हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है भाई बहुत ज़्यादा स्पेशल व्लॉग है, क्योंकि आज के व्लॉग में जो है एक अहम शख्सियत हमारे घर की आ रही है। तो नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं और उनका ओवरव्यू भी देंगे जब वो आएँगे। तो हमारे साथ रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो गाइस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। ये है पराठे और ये गोभी है और चाय, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। बस नाश्ते के बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला घर का थोड़ा सा काम करेंगे और फिर उसके बाद हम आपको स्पेशल न्यूज़ देंगे। सो गाइस, तो मम्मा जो हैं वो बना रही हैं, जी हाँ, हलीम हमारे स्पेशल गेस्ट के लिए। और हम लोग Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे उम्मीद करती हूँ। मैं इतने दिनों से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, आप सुन चुके होंगे। कोई बहुत ही बड़ा मसला है, जब तक ये हमें नहीं देखता है तब से ये बोली जा रहा है। हाँ बोलो किक्की भाई। अरे ब्लॉगिंग तो करने दो भाई, ब्लॉगिंग करने दो। क्या बात है, तुम्हारी भी पिक आ रही है, तुम भी वायरल हो जाओगे। मैं ये कहना चाह रही थी वेलकम टू सबा व्लॉग। और हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बिजी थे, इतने ज़्यादा, और बहुत सारी ब्लॉगिंग हो सकती थी, उसमें बहुत सारे कंटेंट थे मेरे, लेकिन हम लोग नहीं बना। आपको पता है गाइस के ये पॉलर डेज हैं, यानी कि ईद से पहले पहले काफ़ी सारा रश हो जाता है पॉलर में, तो उसकी वजह से मैं जो है ब्लॉगिंग नहीं कर सकी हूँ। और मेरे को भी टाइम नहीं था, फिर आपके साथ भाई की आमदोरफ और फिर कुर्बानी, और फिर इस वजह से मैं आप लोगों से कुछ भी शेयर नहीं कर सकी। अब जैसे जैसे शेयर होता रहेगा इंशा अल्लाह मैं आपसे भी शेयर करती रहूँगी। आशा की देखे शक्ल बिल्कुल बकरे की तरह होती जा रही है। तो ठीक है, हम लोग आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे और आप भी हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। न्यूज़ देनी है कि सुबह सुबह हैदर को बकरे ने इतना मारा, मैं बता नहीं सकती हूँ। वो यार हम लोगों को मूवमेंट हम लोग कर ही नहीं सके, कैप्चर नहीं कर सके मूवमेंट, वरना तो हैदर की इतनी पिटाई लगी है बकरे से। क्योंकि दो भाई थे और दो भाई यहाँ पर से एक हम ले आए हैं और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। तो गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा बकरा कैसा है। तो गाइज हमारा कुर्बानी का बकरा आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, क्योंकि ये जो है उसका एक और भाई था, उससे हम उसको उठा के ले आए हैं और अभी उसको याद करके दमा खा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताएगा कि कैसा है। तो गाइज़ हम आपको बकरा मंडी इस वजह से शो नहीं कर सके क्योंकि बकरा जो है वो मामू और भाई ले आए थे, तो इस वजह से हम आपको बकरा मंडी का ओवरव्यू नहीं दे सके। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने अपना बकरा लिया। कि भाई क्यों बोल रहे हैं आप? कह रहे मुझे नहीं पता। हेलो किक्की, से हाय। हाय। सो गाइज हमने बहुत सोचने के बाद इसका नाम रखा है किक्कू भाई। अगर आपको किक्कू भाई नाम अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जी भाई, बड़े वेट के बाद किक्कू भाई दोबारा मार रहे हैं हमारे ही भाई को। तो आपकी बहन ने जो है क्लिप पकड़ लिया, गौर से देखिए इस क्लिप को। सो गाइस हम लोगों ने मामू के साथ ये हमने टी टाइम अपना किया और मैक्स इतना परेशान बैठा हुआ है। मैक्स नहीं सुन रहा, असल में इसको टेंशन है इसकी, वो सोच रहे हैं कि कोई और जानवर मेरी जगह ले लेगा। जानवरों को भी इनसिक्योरिटी होती है गाइस। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गाइस हम लोगों ने इसको ड्राइंग रूम में रखा हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल भी बाहर आराम से नहीं बैठ रहा। देखें जैसे ही मैं आती हूँ ऐसे लगता है जैसे मेरा बिछड़ा हुआ कोई दोस्त है। क्या हुआ, क्या खारिश हो रही है? वो भी मैं करूँ? रुक करो, गुड।
गाइस किक्की लात भी मारता है। हाँ ये देखिए गाइस, कि भाई अब बैठ गए हमारे सुकून से, शुक्र है बैठ गए हैं, वरना चीख ही जा रहे थे और तंग कर ही जा रहे थे।